अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 की साइंस में डे 17 पर पढ़ेंगे। डे 17 में हमारे कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी रह गए थे। आज जो हम फॉर्म ऑफ एनर्जी पर डिस्कस करेंगे वो है जी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से मुराद है, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल, फूड और बैटरीज, वो वाली इन सारी की सारी एनर्जी जो मुख्तलिफ केमिकल से मिक्सअप होने के बाद इस्तेमाल होती है, मिक्सअप होने के बाद पैदा होती है, उसको हम केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। जस्ट लाइक द केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी केमिकल एनर्जी से मुराद ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है और कुछ अरसे के बाद ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज की जाती है। और कुछ जैसा कि मिसाल के तौर पर वो खुराक जो हम खाते हैं, ठीक है, उसके भी अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो हमारी बॉडी के मसल्स बनने में और मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह बैटरीज हैं, बैटरीज के अंदर भी मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ प्लेटें इस्तेमाल होती हैं जो केमिकल्स के साथ और प्लेटों के साथ रिएक्ट होते हैं और बैटरी वर्क करती है और चार्ज स्टोर करती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकसिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद पेट्रोल है, जब हम इंजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जब इंजन के अंदर हम मुख्तलिफ इंजन में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो है वो इंजन से वर्किंग होगी, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होंगे और जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल भी है वो केमिकल जो एनर्जी का एक सोर्स है। उसके बाद जो है वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस से हम जो है वो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप सीएनजी भी कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहते हैं, कुदरती गैस भी कहते हैं। ये सुई नादरान में, बलोचिस्तान में बड़े अच्छे ज़खीरा इसका पाया जाता है, वहाँ से हम इसको हासिल करते हैं। ये घरों में खाना पकाने के लिए और हमारे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी केमिकल एनर्जी की एक किस्म है। आगे है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। वो वाली एनर्जी जो मैकेनिकली स्टोर्ड होती है उसको हम कहते हैं, उस पर बात करते हैं। स्टोर्ड एनर्जी वो पैदा होती है बिकॉज ऑफ द सम फोर्स, बाय सम फोर्सेस की वजह से। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग के साइज, लेंथ और शेप में इजाफा हो जाता है, तो कंप्रेस्ड फोर्स उसकी भी एक एग्जांपल है। इसी तरह एक रबर बैंड है, आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, इलास्टिसिटी उसमें पैदा हो जाएगी। ये भी एक जो है वो स्टोर मैकेनिकल एनर्जी की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल एनर्जी। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको ग्रेविटी नाम से ही जाहिर है, ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी अर्थ है हमारी बहुत सारी चीज़ों में, अर्थ अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों को, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ज़मीन के मरकज़ की जानिब सारी चीज़ें खिंची चली जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा वेट होना, हमारा ज़मीन पर चलना और ये जो दरियाओं का और समंदरों का एक स्ट्रीम लाइन में फ़्लो करना, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एक ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, तो ये सारा का सारा इसी की मरहूने मिन्नत है। तो अगर हम देखें कि डैम में जो वाटर स्टोर किया जाता है उसे एक ख़ास बुलंदी पर ले जाया जाता है, जब ख़ास बुलंदी पर ले जाया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है, जब उसे वहाँ से रिलीज़ किया जाता है तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, तो उसमें ग्रेविटी अमल दरामद होती है क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी ग्रेविटेशनल एनर्जी की एक मिसाल है। इसी तरह एक ईंट को कुछ बुलंदी तक उठाएं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी, जैसे आप रिलीज करेंगे तो उसे ग्रेविटी अपनी जानब अट्रैक्ट करेगी, तो ये भी ग्रेविटेशनल एनर्जी की एक एग्जाम्पल है। आगे आए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से मुराद ये है कि एटम का न्यूक्लियस, उसको जब हम स्प्लिट करते हैं, यानी इसकी दो एग्जाम्पल है आप चैप्टर जो है वो नाइन्थ में पढ़ेंगे, नाइन्थ क्लास में, उसमें फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जिक्र किया गया है कि जब हैवी न्यूक्लियस एटम का ब्रेक होता है तो स्प्लिट अप होने की वजह से उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम मुख्तलिफ मकासद के लिए, एनर्जी बनाने के लिए यानी इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमने कुछ पावर स्टेशन बनाए वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी से मुराद ये है कि एटम के न्यूक्लियस को जब ब्रेक किया जाता है तो उसमें वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम बहुत सारे मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।